देखी कि रेलियो क्या रह गया आगे ये कार्यक्रम। आज परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जो 4 से 10 फरवरी तक किया जा रहा है, उसके आज शुभारम्भ के तौर पर आज एक रैली निकाली गई है ताकि सड़क सुरक्षा के जो उपाय हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. जैसे हेलमेट पहनना और शराब बिना पिए गाड़ी चलाना और जो यातायात के संकेत हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करना, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये रैली निकाली गई है। और इसके दौरान, इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता आए। और उद्देश्य यही है कि जो सड़क में इतनी ज़्यादा आजकल दुर्घटनाएं होती हैं और असमय ही लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, यही संदेश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे ज़िले में इस सप्ताह के दौरान लोगों में जागृति आएगी और जो यातायात के नियम हैं उसको वो पालना करना शुरू करेंगे। सप्ताह जो हमारे मनाया जा रहा है अजमेर में, ब्रिंगिंग चेंज थ्रू यूथ पावर, ये हमारा थीम और इसका कंसेप्ट है। और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हम जो है वो जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाएंगे, जिसमें जो शहर में सीट बेल्ट, हेलमेट और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिस पे लोगों का ध्यान थोड़ा कम रहता है या हमारे यहाँ थोड़ी सी पालना में शिथिलता रहती है, तो हम इसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको क्रियान्वयन करेंगे। तथा इसके साथ साथ हम लोगों को जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के मंत्र देंगे, जिससे कि जो सड़क सुरक्षा जो हमारा एक मिशन है कि हम रोड सेफ्टी में काम करें वो फलीभूत हो सके। तथा ये पूरे अजमेर शहर के लिए हम जो दुर्घटना जो होती है उसमें हम संख्या में कमी ला सकें। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दुर्घटना एक सामाजिक अभिशाप है, जिस परिवार में दुर्घटना घटित हो जाती है वो परिवार समाज से, दीन दुनिया से पूरी तरीके से कट जाता है और उनके घर के जो कालकल्पित लोग होते हैं तो उनके लिए हर चीज़ इस दुनिया में बेगानी सी हो जाती है। तो हमारा ये दायित्व बनता है पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग का कि हम लोग इस क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास करें ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स की जो संख्या है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सके और लोग स्वयं ही जागरूक बने कि वो किस तरीके से रोड मैनर्स का पालन करें कि रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ सके। देखिए, जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है इसमें परिवहन विभाग और हम पुलिस डिपार्टमेंट को मिल करके कई जगहों पर एक तो कैंपेन करेंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ लगातार हम अभियान चलाएंगे जिसमें कि जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी खुद की जान या दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई का भी अभियान लगातार चलता रहेगा। एक कोशिश ये भी रहेगी कि हम स्कूल कॉलेज में अपने अधिकारियों को भेज करके लोगों को जागरूक कर सकें किस प्रकार से उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा करनी है और साथ साथ दूसरों की सुरक्षाओं का भी ध्यान रखना है। सर, डाटा और रिसर्च आपके पास है, कम से कम सिटी पर्सपेक्टिव में बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स को लेकर समय समय पर कई सारे मेजर्स भी लिए गए। बड़ा ब्लॉकेज जो है वो टीनेजर्स का है सर, कंजम्पशन ऑफ टू व्हीलर्स का, वहाँ किस तरह से क्रॉस चेक रहेगा खासतौर से इस वीक के पर्सपेक्टिव? देखिए, अगर मैं बड़े ब्लॉकेज की बात करूँ तो केवल टीनेजर का इशू नहीं है, हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि लोग नियमों को मानना नहीं चाहते हैं। नियम नहीं मानना कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आदत बना ली है, और लोग नियमों को क्यों माने, उन्हें क्यों नियम मानने चाहिए, इस बात के लिए अवेयर करना ही इस कैंपेन का मकसद है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो टीनेजर हैं, जो कि अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, उनके माता पिता तक अप्रोच कर सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो अपने बच्चों पर इतना कंट्रोल रखें कम से कम कि उनके बालिग होने से पहले उन्हें व्हीकल्स नहीं दें। जो भी बच्चे चला रहे हैं रोड पर, अगर वो अपना लाइसेंस भी नहीं ले पाए हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि उनका बच्चा कहीं समय से पहले एक बहुत बड़े खतरे की ओर तो नहीं जा रहा। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं टीनेजर के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी इस कैंपेन का एक बहुत बड़ा पार्ट अवेयरनेस का है, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को अधिक से अधिक अवेयर किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि आप जो भी कुछ बिना प्रॉपर नियमों का पालना किए कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।